Have a good day, class 9 student. Now today your social science economics part, chapter number 1, village Palampur. Chapter 1. ये story है village Palampur का. ये story क्यों आप लोग जानेंगे और आप लोगों को जानना जरूरी है, इसके बारे में हम बता रहे हैं. The purpose of the story is to introduce some basic concept relating to production and this we do through a story of a hypothetical village called Palampur. तो ये स्टोरी बोलने सुनाने का या आप लोगों के पास लाने का एक ही मकसद है कि एक प्रोडक्शन के बारे में आप लोग पढ़े हैं क्लास 8 में, कैसे होता है इकोनॉमिक्स पार्ट में या सिविक पार्ट में, और कैसे देश में या कैसे एक एरिया में प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करते हुए एक कंट्री बोलो या एक एरिया की इकोनॉमिकल डेवलपमेंट बिलोंग्स करते हैं, इसके बारे में. तो यहाँ पर हम लोग एक बहुत ही इंटीरियर विलेज पालमपुर के बारे में पढ़ेंगे. फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर, जहाँ मेन एक्टिविटी के तौर पे फार्मिंग मतलब एग्रीकल्चर को ही माना जाता है. वह मतलब वहाँ के सारे लोग एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं. वेयर एज सेवरल अदर एक्टिविटीज सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एट्सेट्रा. तो इसके साथ साथ ज़्यादा से थोड़ा बहुत लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं. डेयरी फार्मिंग मतलब दुग्ध द्वारा जो सब चीज़ें बनाया जाता है, घी, पनीर हो, मक्खन हो, ये सब चीज़ें के ऊपर और ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर आर कैरिड आउट on a limited scale. These production activities need various type of resources. ये production करने के लिए बहुत सारे resources की ज़रूरत पड़ते हैं. Natural resource, man-made item, human effort, money, etc. जिसमें से प्राकृतिक संपद, man-made मनुष्य हम लोग द्वारा कॉमन पीपल द्वारा जो चीज़ बनाया जाता है उसके साथ साथ हम लोगों की पावर, ह्यूमन एफर्ट और इसके साथ मनी, कोई भी चीज़ प्रोडक्शन हो करने के लिए मनी का तो ज़रूरत है ही है. इसके छोड़ के भी और भी बहुत सारी चीज़. एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर वी विल लर्न हाउ वेरियस रिसोर्सेज कम्बाइन टू प्रोसीड प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज इन द विलेज. वी विल लर्न हम लोग जानेंगे सीखेंगे कि कैसे अलग अलग सोर्स को रिसोर्स को इस्तेमाल करते हुए एकजुट करके कंबाइन करके प्रोडक्शन किया जाता है. इवन उस गांव में सर्विसेज प्रोवाइड किया गया था. नाउ इंट्रोडक्शन. पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विथ नेबरिंग विलेज एंड टाउन. पालमपुर बहुत ही जितने भी नेबरिंग मतलब प्रतिवेशी गांव हैं या शहर है उनके साथ जुड़े हुए थे. रायगंज ए बिग विलेज इज 3 किलोमीटर्स फ्रॉम पालमपुर. रायगंज नाम का एक बहुत बड़ा गांव है जो पालमपुर से 3 किलोमीटर दूरी में अवस्थित है. एंड ऑल वे द रोड कनेक्ट द विलेज टू रायगंज एंड फर्दर ऑन द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर. सिर्फ रायगंज नहीं, उसके साथ साथ नियरेस्ट एक टाउन एरिया था जिसका नाम है शाहपुर, वहाँ के साथ भी कम्युनिकेशन करने के लिए रोड बना हुआ था पालमपुर गांव के साथ. मेनी काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दिस रोड स्टार्टिंग फ्रॉम बुलॉक कार्ट्स, टोंगास, बोएग्स मतलब वुडन कार्ट ड्रॉन बाय बफेलोज लोडेड विथ जागरी एंड अदर कमोडिटीज टू मोटर व्हीकल्स लाइक मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर एंड ट्रक. तो ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से के तौर पे जो बफेलो कार्ट मतलब बैलगाड़ी से लेकर टांगा मतलब टांगा जो होता है वो हॉर्स के द्वारा चलाया जाता है, और इसके साथ साथ वेरियस टाइप ऑफ मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ये सब यूज होता था ट्रांसपोर्टेशन के तौर पे. दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट. इस गाँव में 450 परिवार रहता था जो लोग अलग अलग रिलीजियन अलग अलग कास्ट के थे. द 80 अपर कास्ट फैमिलीज ओन द मेजोरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज.
जिसमें से 80 फैमिली 80 फैमिली था जो अपर कास्ट में रहते बिलोंग्स करते थे, और जो लोग लैंड मेजर लैंड ओनर के तौर पे भी जाना जाता था, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लैंड उन्हीं लोगों के हाथ में था। देयर हाउसेज सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज आर मेड ऑफ ब्रिक्स विथ सीमेंट प्लास्टरिंग। द एसीज मतलब दलित, एसी कास्ट होता है ना, तो दलित कंप्राइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन एंड लाइव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज एंड इन मच स्मॉलर हाउसेज, सम ऑफ विच आर ऑफ मड एंड स्ट्रॉज। मोस्ट ऑफ हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस। तो जो लोग अमीर थे उन लोगों का घर क्या होता था ना, बड़े बड़े थे, साइज में भी बड़ा था, और वो ब्रिक्स और सीमेंट से बना हुआ प्लास्टर किया हुआ मतलब पक्का घर मकान था। और एसी लोग जो दलित लोग रहते थे, तो अमीर लोग पक्के मकान में रहते थे, और वैसे ही एसी लोग जो थे दलित संप्रदाय के लोग लोअर कास्ट के, वो लोग पॉपुलेशन जो है नियर अबाउट 450 फैमिलीज, उनमें से 1/3 मतलब 450 डिवाइडेड बाई थर्ड करने से कितना होता है, नियर अबाउट 150 फैमिलीज जो है वो लोग गांव के एक कॉर्नर में रहते थे, और एकदम मतलब जैसे झोपड़पट्टी जैसे घर बनाते बनाए बनाए और उसी में रहते थे। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव द इलेक्ट्रिक कनेक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा घर में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन था। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड एंड इज यूज्ड इन वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेस। इलेक्ट्रिसिटी यूज होता था, ट्यूबवेल में इस्तेमाल किया जाता था फील्ड में, एग्रीकल्चर फील्ड में इरिगेशन करने के लिए मतलब सिंचाई करने के लिए, और इसके साथ साथ छोटे मोटे बिजनेस पर्पस में भी इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ किया जाता था। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल एंड 1 हाई स्कूल। पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल और एक हाई स्कूल भी था। देयर इज ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर द सिक आर ट्रीटेड। और इसके साथ साथ एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया एक हेल्थ सेंटर भी था, और एक प्राइवेट हेल्थ सेंटर भी था, डिस्पेंसरी मतलब डॉक्टर चेम्बर्स, जहाँ पर सिक पीपल अपना ट्रीटमेंट कराते थे। द डिस्क्रिप्शन अबव शोज दैट पालमपुर हैज़ फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी इरिगेशन स्कूल एंड हेल्थ सेंटर। कंपेयर दिस फैसिलिटीज विद दोज इन योर नियर बाई विलेजेस। तो हम लोग इतने स्टोरी पढ़ने के बाद क्या देखें ना, पालमपुर एक वेल डेवलप्ड विलेज है, जहाँ पे रोड है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अवेलेबल है, इलेक्ट्रिसिटी है, इरिगेशन सिस्टम है, स्कूल, हेल्थ सेंटर्स, ईच एंड एवरीथिंग जो कॉमन पीपल नेसेसरी नीड्स है वो पूरा करने के लिए जितना ज़रूरत है वो उस गांव में है। अभी आप लोगों को क्या करना है, आप लोग अपने एरिया या अपने लोकेलिटीज या अगल बगल के गांव में ये सारी फैसिलिटीज है कि नहीं, ये आप लोग चेक करेंगे। क्लियर? नाउ द स्टोरी ऑफ पालमपुर एंड इमेजिनरी विलेज विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन द विलेजेस। ये जो स्टोरी ऑफ पालमपुर की जो स्टोरी है, एक इमेजिनेशनरी विलेज है, एक कल्पना किया गया है इस गांव का। हम लोग यहाँ पर टेक करेंगे, लेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी, वेरियस टाइप ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के बारे में वहाँ का पढ़ेंगे। इन विलेजेस अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। पूरी इंडिया में ही, और यू ऑल आर नो दैट कि इंडिया इज एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री, सो दैट्स वाई पूरे इंडिया के जितने भी विलेज एरिया है वहाँ पर प्रोडक्शन के तौर पे या फार्मिंग ही मेन रिसोर्सेस हैं। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिफर्ड टू एज नॉन फार्म एक्टिविटीज इंक्लूड स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग एट्सेट्रा। अदर सोर्स ऑफ इनकम के तौर पे अगर हम लोग देखेंगे, कम छोटा छोटा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, चाहे कारपेंटर हो, चाहे ब्रिक बिल्डिंग में बिल्डिंग बनाने वाले हो, इस तरीके का मैन्युफैक्चरर्स हैं। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट के साथ जुड़े हुए कुछ लोग हो रहते हैं, कुछ लोग दुकान खोल के बैठते हैं। वी शैल टेक ए लुक एट बोथ दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज आफ्टर लर्निंग ए फ्यू जनरल थिंग्स
अबाउट प्रोडक्शन। हम लोग यही सब चीज़ों के बारे में, एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। कुछ कब पढ़ेंगे ना, कुछ जनरल थिंग्स जो प्रोडक्शन के बारे में ज़रूरी है, उसके बारे में जानकारी लेने के बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस दैट द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। देयर आर फोर रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एम ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का एम क्या है, लक्ष्य क्या है? न प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। हम लोग जो चाहते हैं उसको प्रोड्यूस करना, ये एम। नहीं तो हम लोग प्रोडक्शन क्यों करेंगे? हमारी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। तो ये प्रोडक्शन करने के लिए चार चीज़ों का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है। क्या है? द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल। सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट किस चीज़ का होता है? लैंड, ज़मीन का, और इसके साथ साथ दूसरे जो नेचुरल रिसोर्स जैसे कि वाटर, पानी, जंगल, जंगल मीन्स लकड़ी वकड़ी काट, मिनरल्स माइंस संपद जो मेटालिक मिनरल्स होता है। एंड सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर। सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है? लेबर, पीपल हु विल डू द वर्क, लोग जो काम करेंगे। सम प्रोडक्शन एक्टिविटी रिक्वायर्ड हाईली एडुकेटेड वर्कर्स टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क। अदर एक्टिविटीज रिक्वायर वर्कर, ईच वर्कर्स इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में जरूरी है लेबर, अगर लेबर नहीं रहेगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा किसी भी फैक्ट्री, इंडस्ट्री, कहीं पे भी। या नॉट ओनली दैट, एग्रीकल्चर फील्ड में भी लेबर का ज़रूरत है। तो इसमें लेबर का दो कैटेगरीज है, एक एडुकेटेड लेबर होता है, वर्कर होते हैं, और दूसरा अनएडुकेटेड। तो कैटेगरी वाइज उन लोगों को यूटिलाइज किया जाता है, कौन कितना एडुकेटेड है, कौन कितना हार्ड वर्कर है, उसके ऊपर डिपेंड करते हुए। द थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल। थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है ना? फिजिकल कैपिटल। द वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन, व्हाट आर द आइटम दैट कम्स अंडर फिजिकल कैपिटल। वेरियस टाइप ऑफ फिजिकल कैपिटल का जरूरत पड़ता है। लाइक फिजिकल कैपिटल्स मीन्स मशीनरीज, टूल्स लाइक दैट। तो फिजिकल कैपिटल के अंडर में क्या क्या आएगा? नंबर वन में देखा, देखो यहाँ पर है टूल्स, मशीन, बिल्डिंग। टूल्स एंड मशीन रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स सच एज ए फार्मर्स प्लग पोल टू सोफिस्टिकेटेड मशीन सच एज जनरेटर, टर्बाइन्स, कंप्यूटर्स एट्सेट्रा। टूल मशीन्स बिल्डिंग कैन बी यूज इन प्रोडक्शन ओवर मैनी ईयर एंड आर कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। तो कोई भी एक फैक्ट्री बिल्डअप हो रहा है तो इस फैक्ट्रीज में काम करने के लिए मशीनरी का ज़रूरत है, कंप्यूटर ज़रूरत है, या फिर जैसे फार्मिंग करने के लिए भी जनरेटर, टर्बाइन, कंप्यूटर, फार्मिंग के लिए जानकारी लेने के लिए तो वेरियस टाइप ऑफ मशीन्स का ज़रूरत पड़ता है। और बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या होता है ना, बिल्डिंग के बिना वो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, फैक्ट्री नहीं बन पाएगा। एक फैक्ट्री सेट ज़रूरी होता है जिसके नीचे मशीनरीज रहेगा, लोग काम करेंगे, नहीं तो बारिश के मौसम में धूप में कैसे लोग काम करेंगे। तो उस बिल्डिंग को हम लोग फिक्स्ड कैपिटल के तौर पे काउंट कर सकते हैं। नाउ रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड। रॉ प्रोडक्शन रिक्वायर ए वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल सच एज द यर्न यूज बाय द वेवर्स एंड द क्ले यूज बाय द पॉटर। प्रोडक्शन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? रॉ मटेरियल्स, मतलब कच्चा माल। जैसे कि अब मान लिया जाए कपड़ा बनाया का मिल है, कपड़े बनाने का एक फैक्ट्री है, तो वहाँ पर कपड़ा कैसे बनेगा अगर वहाँ पर यार्न मतलब सूता नहीं पहुँचेगा तो धागा। वैसे ही अगर पॉटर जो होता है कुम्हार, उनके पास मिट्टी नहीं रहेगा तो वो बर्तन कैसे बनाएंगे। ऐसे और इसी के जैसे ऑल्सो सम मनी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट्स एंड बाइंग अदर नेसेसरी आइटम। और इसी के साथ हाथ में कैश, कैश अमाउंट का भी ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि प्रोडक्शन चलते हुए कोई भी नेसेसरी प्रोडक्ट का ज़रूरत पड़ गया तो मार्केट से उसको परचेस करना पड़ेगा या पेमेंट करना पड़ेगा।
लेबर को इसके लिए। रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। सो इसी के चलते हुए जैसे टूल्स मशीन बिल्डिंग इसको फिक्स्ड कैपिटल कहा जा रहा है, क्योंकि टूल्स मशीन बिल्डिंग ये बहुत दिन तक चलता है एक बार खरीदने से। लेकिन रॉ मटेरियल क्या होता है और मनी क्या होता है, ये रिवॉल्विंग होता है, घूमता रहता है। रॉ मटेरियल परचेज हुआ, प्रोडक्शन हो गया, फिर रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा। वैसे ही मनी क्या होता है, रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए मनी लग रहा है, प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन अमाउंट सेल हो गया, फिर मनी आ गया, फिर दोबारा प्रोडक्ट रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ा। तो जब जो जो अमाउंट जो चीज़ रोटेट होना होता है रेगुलर बेसिस, उसको कहा जाता है क्या, वर्किंग कैपिटल। अनलाइक टूल्स मशीन्स एंड बिल्डिंग्स दीज आर यूज्ड अप इन प्रोडक्शन। लेकिन प्रोडक्शन में टूल्स मशीनरी और बिल्डिंग का भी ज़रूरत है, लेकिन उसको हम लोग वर्किंग कैपिटल नहीं फिक्स कैपिटल मानेंगे। क्योंकि एक बार मशीन्स खरीदेंगे तो हमें बहुत साल तक, हो सक 2 4 साल 10 साल तक चल रहेगा, बट रॉ मटेरियल्स तो नहीं चलेगा। प्रोडक्शन हो जाने के बाद रॉ मटेरियल्स ख़त्म हो जाएगा, फिर प्रोडक्ट रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा। देयर इज ए फोर्थ रिक्वायरमेंट टू, यू विल नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड लेबर एंड फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस एंड आउटपुट आइदर टू यूज योर सेल्फ और टू सेल इन द मार्केट। दिस डेज इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। वी शैल लर्न मोर अबाउट ह्यूमन कैपिटल इन द नेक्स्ट चैप्टर। और एक क्या है ना, ह्यूमन कैपिटल, प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन प्रोडक्शन करने के लिए या फैक्ट्री बिल्डअप करने के लिए, अगर मान लिया जाए आप में से कोई एक फैक्ट्री बिल्डअप कर लिए, लेकिन आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास एडुकेशन नहीं है, क्या आप वो फैक्ट्री चला पाएंगे? पॉसिबल नहीं है। क्यों, वैसे ही वर्किंग कैपिटल, लैंड, लेबर, बिल्डिंग, फिजिकल कैपिटल, ईच एंड एवरीथिंग्स को एकजुट करके, आपकी एडुकेशन, आपके नॉलेज को एकजुट करके, आप प्रोडक्शन करने के बाद उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करना भी एक कला है। इसको कौन करेगा, इसको करने के लिए ह्यूमन कैपिटल का ज़रूरत पड़ता है, जो जिसके बारे में आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में और भी ब्रीफली पढ़ेंगे। इन दिस पिक्चर आइडेंटिफाई द लैंड लेबर एंड फिक्स्ड कैपिटल यूजिंग द प्रोडक्शन। इस पिक्चर में देखिए क्या दिखा रहा है, एक फैक्ट्री का इनर पोर्शन दिखा रहा है, तो इस फैक्ट्री बिल्डअप हुआ है एक लैंड के ऊपर, और लेबर भी है और फिक्स्ड कैपिटल है, मशीनरीज दिखा शो हो रहा है, बिल्डिंग है। तो ये सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हुए ही प्रोडक्शन ने हो सकता है, इसके बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल व्हिच आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ईच एंड एवरी प्रोडक्शन के अंदर हम लोग देख रहे हैं, कुरकुरे लेज आप लोग खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हो, ईच एंड एवरी थिंग प्रोडक्ट, नॉट ओनली दैट, हम लोग जो क्लॉथ वेयर कर रहे हैं, कपड़ा पहन रहे हैं, ईच एंड एवरी थिंग, सब कुछ प्रोडक्शन करने के लिए कुछ चीज़ों क्या है, कॉम्बिनेशंस ऑफ लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, इन चीज़ों को एक साथ क्या जाना जाता है ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नाम से जाना जाता है। एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर वी विल लर्न मोर अबाउट द फर्स्ट थ्री फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फॉर कन्वीनियंस वी विल रेफर टू द फिजिकल कैपिटल एज द कैपिटल इन दिस चैप्टर। तो अभी इस चैप्टर में हम लोग पालमपुर जो विलेज के बारे में हम लोग पढ़े हैं, वहाँ पे ये जो फर्स्ट थ्री फैक्टर्स है, लेबर, लैंड एंड फिजिकल कैपिटल, इसके बारे में कैसे पालमपुर में डेवलप किया गया है और पालमपुर में इसके यूटिलाइजेशन कैसे हुआ था, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नाउ दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू विल रीड वेरी केयर